नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और दोस्तों, ये चल रहा है कालिंका माता का पार्ट 3। तो ये पार्ट 3 मैं लेकर आई हूँ और इस पार्ट 3 में केवल और केवल जागरण और सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाले हैं, जो कालिंका माता के ससुराल में आने के बाद कालिंका मंदिर में हुए हैं। तो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कार्यक्रम देखेंगे, प्रस्तुतियां देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से गांव के सभी लोग, आसपास के क्षेत्र के सभी लोग बैठे हुए हैं रात को 1:30-2 बजे तक जागरण के लिए और सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सांस्कृतिक और भजन संध्याएं होंगी, जिनमें की हमारे बीच है मेरे बड़े भाई उत्तराखंड की शान दिगंबर बिष्ट जी आपके सामने मौजूद हैं। तो एक बार जोरदार ताली ताली तो बजानी पड़ेगी हमको। और उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध लोक गायिका जिन्होंने की है सरस्याली रामदेवी केल केल सोड़ी केल नहीं सोड़ी क्या सरस्याली रामदेवी केल नहीं सोड़ी गीत नरेंद्र सिंह नेगी जी का, जो हमारे गढ़रत्न से है उनका दगड़ी, जो सरस्याली रामदेवी जो गीत गाए हो। मेरी छोटी बोली अंजलि खरे, और आजकल एक गीत ट्रेंड में भी चलनो जड़वान गीत प्रीतम भरतवाल जी का दगड़ा मैं गीत गयु, और तमाम गीत होला आपका बीच और हमारे बीच उत्तराखंड का सुप्रसिद्ध लोक गायक सुमान सिंह रोथाण जी भी बड़ी दूर बैठे नया छे। और हम दगड़ी जो दूर बैठे कलाकार छे सीमा गोसाई जी भी हमारे बीच उपस्थित छे, और भी गौरव आदि की बोल सकता। और आज की सांस्कृतिक संध्या वही तो सोना है उन्होंने। Thank you.
I'm not afraid.
Thank you.
जागरण सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए थे और अब इसके बाद मेरा अंतिम पार्ट आएगा जिसमें महापर्व जो चल रहा है माता का उसकी समाप्ति मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बहुत जल्द पार्ट 4 के साथ मिलती हूँ आप सभी से। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।